हूँ, कैसे हैं आप सब लोग। किचन विद नौरीन में मैं हूँ आपके साथ। और आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की, और शाम की चाय के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो आज मैं बना रही हूँ नमक पारे, लेकिन ज़रा अलग स्टाइल से बनाऊंगी। जो नॉर्मली हम बचपन से खाते आए हैं वो वाले नहीं बनाऊंगी, और बहुत ही अच्छे बनाऊंगी और यूनिक है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए बहुत ही थोड़ी सी हैं और हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं हर वक्त। तो चलें स्टार्ट करते हैं उसको बनाना। ये मैंने ले लिया है मैदा, ये 2 कप है, और इसके अंदर मैं डालूंगी ये 1/4 टीस्पून के बराबर अजवाइन है, और ये हस्बे ज़रूरत नमक, ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है। ये दोनों चीज़ें डालूंगी इसके अंदर, और इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप ऑयल। ये देखें ये भी कितना सही होता है, 1/4 कप 4 टेबल स्पून के बराबर होता है। बस इसको मैंने इससे मेजर किया और इसको इसमें मिक्स कर दूंगी सिंपल, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसका डो बना लूंगी। और थोड़ा सा इसका डो जो बनाऊंगी वो हार्ड बनाऊंगी ताकि ये क्रिस्पी ज़्यादा बन सके, थोड़ा सा हार्ड, बहुत ज़्यादा नहीं, जो नॉर्मली हम रोटियां बनाते हैं उससे थोड़ा सा। ये देखें मैंने आटा गूंद लिया, और इतना आटा गूंदने के लिए मुझे ये मैंने ले लिया था कप, 1 कप मैंने पानी लिया था, ये 1/2 कप से थोड़ा सा कम ही लगा है इसके अंदर। और ये देखें आटा मैंने जो गूंदा है वो इस तरीके से। अब बस इसको मैं 10 मिनट के लिए रखूंगी, और जब तक मैं अपनी कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं नमक पारे किस तरह बनाऊंगी। ये देखें ये मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं, और इसको मैं 2 को मैं रख दूंगी इसमें, और 1 पेड़े से पहले मैं बनाऊंगी, और इसको देखें इस तरह बनाऊंगी मैं। थोड़ा सा इसको चकोर तरीके से बेलूंगी और बहुत पतला सा बेल लूंगी। ये मैं लेयर वाले बना रही हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप इसको 2 हफ्ते भी रखेंगे तो ये इसका जो है ये क्रिस्प ख़त्म नहीं होगा, बहुत ही अच्छे रहते हैं ये। इसको बना के रखें आप कंटेनर में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप उसको थम्स अप ज़रूर दीजिए। ये देखें ये मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं लेकिन इतनी पतली मैंने बेली है, और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बिल्कुल थोड़ा सा तेल, बिल्कुल समझ लें 1/2 टीस्पून से भी कम, और इस तरीके से करके इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा मैदा इस तरह से। और अब मैं इसकी बनाऊंगी लेयर्स, ये देखें इसको मैं यहाँ करूंगी इस तरह से, ये देखें, और फिर थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालूंगी, बस ड्रॉप बिल्कुल डालने हैं जैसे इस वाली लेयर में, बहुत हल्का सा, और हाथ से इस तरह करके फिर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी मैदा इस तरह से, बस हल्का हल्का बिल्कुल, और मैं इसका एक इस तरीके से शेप बना दूंगी, ये देखें इस तरह से, और बना के इसको इस तरीके से, ये देखें ये बन गया एक। अब इसको मैं दोबारा से बेलूंगी, ये देखें इसको मैंने इस तरीके से लंबा बेल लिया है, और एक दफ़ा फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से, बिल्कुल हल्का सा डस्ट करूंगी मैदा, और इसको इस तरह से, ये देखें। अब इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बेलूंगी, आपके सामने ही बताती हूँ कि इसको कितना बेलना है। ये देखें बस इसको इस तरह से बेलेंगे थोड़ा लंबा करके, बहुत ज़्यादा नहीं बेलूंगी, और इसकी चौड़ाई भी आपको दिखाऊंगी कि कितना है, अभी चौड़ा है और मोटा है। ये देखें बस ये इतना रखना है मैंने, और अब मैं इसको कट करूंगी, ये देखें इस तरीके से मैं इसको काट लूंगी, देखें
थोड़े से पतले थोड़े से चौड़े आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका जो एक बिल्कुल परफेक्ट है साइज़ वो रखूँगी। देखिए इस तरीके से सारे काट लूँगी। ये देखें ये मैंने एक पेड़े से बनाए हैं और जो बाकी के दो हैं वो भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊंगी। जब सारे बना लूंगी तो फिर मैं इसको फ्राई करूंगी और थोड़ा मीडियम पे मैं इसको फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं करूंगी। तो चले मैं आपको जब दूसरे भी बनते हैं तो फिर एक साथ फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखें ये मैंने सारे बना लिए हैं और अब मैं इसको करूंगी फ्राई। तो चले इसको फ्राई कर, बहुत ज़्यादा इसको हम ओवर वो नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे इसको, बस इतने डालेंगे कि ये थोड़ा आराम से फ्राई हो गया। ये देखें ये मेरा सेकंड बैच भी जो है वो बन के तैयार हो गया है और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह बन के नमक पारे। इस तरीके से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि वो वाले जल्दी बन जाते हैं और ये देर में बनेंगे, दोनों ही तकरीबन सेम टाइम में ही बनेंगे और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत गर्म हो रहे हैं अभी। ये देखें मेरे ज़बरदस्त से जो हैं वो नमक पारे तैयार हो गए हैं और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको थम्स अप देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इंशाल्लाह एक और सिंपल रेसिपी के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।